बिसमिल्ल रनिम टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एड्रीनो सेप्टर ब्लॉकर्स आज की इस वीडियो में हम एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के फ्लो चार्ट को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम मेनली क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे जबकि जो एक अलग अलग वीडियोस आएगी इनके क्लिनिकल यूजेस की अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स के तो आज की इस वीडियो में अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं अब कुछ एड्रीनो सेप्टर ब्लॉकर्स को हम तीन में डिवाइड कर देते हैं कुछ अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है कुछ बीटा को ब्लॉक करती है कुछ अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है जो अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है इसमें लेबेडलोल और कैल्बेटलोल आ जाते हैं बारी है अल्फा ब्लॉकर की अल्फ़ा ब्लॉकर को डिपेंडिंग अपॉन दियर सेलेक्टिविटी और एफिनिटी इनको दो में डिवाइड कर देते हैं नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव ओके okay, अब जो आ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नॉन सेलेक्टिव होती है उसको भी डिपेंडिंग अपॉन है फार्माकोडायनेमिक्स के कुछ को इरिवर्सिबल रिवर्सिबल और कुछ को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिवर्सिबल के अंदर फिनॉक्सीबन बेंजामिन जबकि रिवर्सिबल के अंदर फेंटोलामिन और टोलाजोलिन आ जाती है ठीक हो गया ओके okay, तो ये तो हो गया नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जबकि सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर के अंदर अल्फा वन के लिए स्पेसिफिक होती है प्रेजोसिन टीराजोसीन, डॉक्साजोसिन टोसिन सिलोडियोसिन अल्फिजोसिन जबकि अल्फा यू के लिए योहम्बिन और रे, रे, रे है रेवल्सिन ठीक हो गया ओके okay, तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन अल्फा की जो रिलेटिवली इजी लग रही थी लेकिन जो असल क्लासिफिकेशन है वो बीटा ब्लॉकर की है बीटा ब्लॉकर के क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल इनको रिसेप्टर की सेलेक्टिविटी की बेस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं पार्शल एगोनिस्ट की बेस पर भी या लोकल एनस्थेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्ला सबसे पहले हम रिसेप्टर की सेलेक्टिविटी को पढ़ लेते हैं रिसेप्टर की सेलेक्टिविटी की बेस पर हम इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव के अंदर जो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री

चलते हैं दूसरी तरफ सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बीटा वन बीटा टू बीटा वन के लिए जो स्पेसिफिक होती है वह एस बीटा लोल एटीनालोलोलोलोलोल एसमोलोल मेटाप्रोलोल और नैबियोलोल आती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देती है इसके अंदर जो मेटाप्रोलोल है यह इन्वर्स एगोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है एम से आपने याद रखना है बीटा टू में बीटॉक्समीन आ जाती है कुछ ऐसी बीटा ब्लॉकर होती है जिनके पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी मीनिंग इनके पास कुछ ना कुछ सिमपैथोमीटिक एक्टिविटी होती है ओके okay, जिसकी वजह से हम इनको यूज करते हैं ताकि ब्रोंकोसम को मिनिमाइज कर सके इसके अंदर पी ए पार्शियल एगोनिस्ट पी ए पी से पिंडाल और ए से एसबीटा लोल ठीक हो गया कुछ किसी के पास जो दो होती है जिनके पास लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती जिसमें टीमालोल और बिटोक्सोलोल होती है डैट इज़ वाई हम इनको में इस्तेमाल कर सकते हैं अब इनको में इसलिए इस्तेमाल करते हैं चूंकि इनके पास लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स को खत्म नहीं करेगी जब कॉर्नियल रिफ्लेक्स को एबॉलिश नहीं करेगी तब हम आराम से सेफली ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स तो एक्टिव है लास्ट क्लासिफिकेशन की बेस थी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी हाफ लाइफ और दूसरा लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी बेस पर डिवाइड कर सकते हैं हाफ लाइफ में किसी की हाफ लाइफ क्या होती है शॉर्ट होती है शॉर्टेस्ट एक्टिंग एसमोलोल की और लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइडोलोल की होती है लिपिड सॉलिबिलिटी की बेस पर हम इनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं लो मोटीट हाई सबसे हाई सॉलिबिलिटी प्रोपेनालोल की होती है और यह सी में एंटर हो जाती है जबकि मोटीरेट में कैलविडोलोल मेटाप्रोलोल पिंडा और टीमा इसका मेमोनिक होता है सी एम पी टी ठीक हो गया साइक्लिक यानी सी एम पी ठीक हो गया और टीमा लोल कैलविडा लोल और बाकी सारी ड्रग्स होती है उनको अपने लो सालबिलिटी के अंदर लिख लेना है ठीक हो गया तो इस तरह से हमने रिसेप्टर ब्लॉकर वाले चैप्टर को सॉरी इसके से क्लासिफिकेशन वाले फ्लो चार्ट को कवर कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़